जीना अस्पताल में नस्ब दोनों सीटी स्कैन मशीनें खराब। इमरजेंसी में आने वाले मरीज ख्वार। जीना अस्पताल की पुरानी मशीन अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, नई सीटी स्कैन भी चंद रोज बाद ही जवाब देगी। मरीज दीगर अस्पतालों से रजू करने पर मजबूर। बंदे सुने जाते गरीब बंदा जी दो दो घंटे लाइन में खड़ा रहे, 200 रुपया दिए तो काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इधर जाएं उधर जाएं, एक घंटा हो गया है, पैसे दे तो काम करते हैं वरना कोई काम नहीं करते, कोई चेकअप नहीं करते हैं। इनका ये मसला है, पैसे दो और काम करवा लो। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों से टेस्ट के नाम पर पैसे बटोरने का इंकशाफ। तशखीसी टेस्ट मुफ्त करवाने के नाम पर सादा लो शहरियों को लूटा जाने लगा। माफिया ओपीडी में घूमने लगा। शिकायत के बावजूद इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं लगा। कीड़े लाशें खा रहे हैं। पीआईसी में मरीजों के लिए अद्वियात नहीं। राबिया नसीम का सूबाई वजीर सेहत से सवाल। मरीजों का बिला तफरीक इलाज होता है, हमने तो नवाज शरीफ को भी सेहत कार्ड दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जवाब पर ऐवान में गर्मा गर्मी। आशिम डोगर बोले, अपोजिशन गैर संजीदा है, हम जवाब तैयार करते हैं, ये ऐवान में नहीं आते। पंजाब असम्बली का इजलास 26 अक्टूबर तक मुलतवी। शहर के मुर्दाखानों में 105 लाशों की गुंजाइश, 55 लाशें मौजूद हैं। कमिश्नर लाहौर आमिर जान को रिपोर्ट पेश। इजलास में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मियां अस्पताल के डॉक्टर्स की शिरकत। लाशों की तस्दीक के लिए नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम से मदद लेने की हदायत। पोलियो मुहिम के आगाज से पहले बड़ी कामयाबी। जेन से लिए पोलियो के माहौलियाती नमूना जात नेगेटिव आ गए। लाहौर की 5 जेन से नमूने लिए गए। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड जेन शामिल। माजी में मुल्तान रोड और आउटफॉल रोड की जेन के सैंपल्स मुस्बत थे। पंजाब में गंदम का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा। सूबे को 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की फौरी जरूरत है। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को खत लिख दिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की 10 लाख मैट्रिक टन गंदम फौरी खरीदने की दरख्वास्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे, घी और ऑयल की किल्लत बरकरार। एलजीए ताजपुरा स्कीम और अतराफ की यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वालों को मायूसी। सार्फिन का सस्ते स्टोरों पर बुनियादी अशियाई जरूरिया की फौरी फराहमी का मुतालबा। ट्रांसफर फिक्स फीस की मौजें खत्म। एलजीए स्कीमों कंट्रोल्ड एरियाज में भारी फीसों का इतलाक। आइंदा फिक्स रेट की बजाय प्रॉपर्टी ट्रांसफर का डीसी रेट का 1% लिया जाएगा। शहरियों को प्रॉपर्टी की फाइल चेकिंग पर भी 10,000 फी फाइल देना होंगे। पार्क व्यू के मालिक ने कब्रिस्तान छोड़े, स्कूल ना ही मस्जिद की जगह। दरिया पर भी कब्जा जमाने लगा। लोगों के अरबों रुपए डकार गया। शहरियों की जमीन पर अब्बाजी के नाम की मस्जिद बना दी। सीनियर सूबाई वजीर नियासनम इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का ऐलान। विभाग से पीएसटीपी के मंसूबों पर फंड न मिले। पंजाब ने ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत 10 अरब जारी कर दिए। रोड सेक्टर के बड़े मंसूबे मुकम्मल होंगे। उधर महकमे खजाना माली मुश्किलात का शिकार। तरक्याती स्कीमों की समरियां वापस करना शुरू कर दी। नई स्कीमों पर भी एतराजात। गैर मंजूर शुदा स्कीमें मंजूर कराने के लिए फौरी इकदाम उठाएं। मुख्तस फंड किसी सूरत जाया नहीं होने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल ने अफसरान को टास्क दे दिया। 685 अरब के मुख्तस फंड्स में से 334 अरब जारी किए जा चुके हैं। पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में मजीद 41 अरब का इजाफा। हजम 726 अरब होगा। रोड सेक्टर का बजट 81 अरब से बढ़ाकर 129 अरब कर दिया गया है। वाटर सप्लाई स्कीमों को 14 अरब मजीद मिलेंगे। लोकल गवर्नमेंट के बजट का हजम 19 से 27 अरब होगा। प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट, कम रजिस्ट्री फीस अदा करने का केस। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर मुकदमे से बरी। एंटी करप्शन कोर्ट के जज मुश्ताक इलाही ने फैसला सुनाया। लिखा, सैफुल मुल्क के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। अजमल इलेक्ट्रॉनिक हॉल रोड के खिलाफ डिग्री जारी। फैन रोड के आबिद को नई एलईडी और 15,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म।
सारिफ अदालत ने हुक्म अदूली पर भट्टा चौक के वहीद अहमद के वारंट भी जारी कर दिए। SHO जनूबी छावनी को तामील कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत अराकीन असेंबली का इजलास, ज़िमनी इंतखाबात में PTI की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद, मुराद राज, खुरम बेग, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और करामत खोखर शरीक थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का इजलास, सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सदारत की। एमरजेंसी प्रोटोकॉल, अद्वियात की फ्राहमी और रेफरल सिस्टम का तफसीली जायजा लिया। पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, छोड़कर नहीं जा रहा। एतजाज अहसन ने पार्टी छोड़ने की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। कहा, इमरान खान मेरा दोस्त है, सियासी इख्तलाफात पर किसी को बुरा भला कहने या राना सनाउल्ला की जुबान इस्तेमाल करने पर यकीन नहीं रखता। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की माहिर अमरीकी कंपनी का विभाग अथॉरिटी ऑफिस का दौरा। सैयद जाहिद अजीज की हमनसब एरोज काउ से मुलाकात। देही इलाकों में तालाब के पानी को साफ करके काबले इस्तेमाल बनाने पर बातचीत। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम सेमिनार, उस्ताद नुमान अली खान की तुलबा से खसूसी गुफ्तगू। आल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन के तहत ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए तकरीब। प्रोफेसर आयशा शौकत ने तालिबात को आगाही लेक्चर दिया। प्रोफेसर अंदलीब खान, प्रोफेसर हुरियत अफजल और समिया जाहिद शरीक। जोहर टाउन में भी कैंसर से आगाही की तकरीब। फ्रीहा फैसल, फरजाना शाहिद, डॉक्टर कमल खालिद, इमरान मसूद और अयूब गौरी की शिरकत। क्वीन मैरी कॉलेज में डेंगू से आगाही के लिए नुमाइश। तालिबात के बनाए आगाही मॉडल्स की तारीफ। शहरियों को मच्छर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। तहजीबुल इखलाक ट्रस्ट के जेर एहतमाम सर सैयद डे मनाया गया। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज गुलबर्ग में तकरीब। तुलबा ने सर सैयद डे की मुनासबत से खाके और नज़में पेश की। डॉक्टर जफर यूसफ, डॉक्टर हमाला शाहीन, नरगिस फारूक और दीगर की शिरकत। शेफ के आलमी दिन पर तकरीबात, फ्लैटीज होटल में तकरीब। इरशाद बी अंजुम ने शेफ्स के हमरा केक काटा। शेफ एसोसिएशन पाकिस्तान और कौथम ने महफल सजाई। देसी और वलायती खानों की तैयारी पर लेक्चर दिया गया। MN ने शाइस्ता परवेज मलिक की सालगिरह, अजीजो अकारब की जानिब से मुबारकबाद। बागबानपुरा ऑफिस में सालगिरह की तकरीब। ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज, कमल लियाकत और दीगर ने केक काटा। रेलवे स्टेशन के सामने फूलों का कालीन बिछेगा। PHA के मालियों ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। ग्रीन एरिया का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। एपका के तहत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में महफिल मिलाद। नात ख्वानों ने अकीदत के फूल निछावर किए। जियाउल्लाह, मोहम्मद अजहर डोगर, मोहम्मद रमजान और ताहिर महमूद समेत दीगर आशिकान रसूल की शिरकत। हिंदुओं के त्यौहार दिवाली की तकरीबात। अमरनाथ, रंधावा, बूटा सैफी, मुबारक आफ्ताब गिल की शिरकत। प्रकाश सिंह, बलवीर सिंह और दीगर ने मोहब्बतों के दीप रोशन किए। पैनोरामा सेंटर के इंतखाबात में फ्रेंड्स ग्रुप बिला मुकाबला कामयाब। चौधरी शफकत हुसैन सदर, नईम शाहिद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, फवाद हसन सीनियर नायब सदर और अजीज़ुर रहमान ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए।